नमस्कार, हजारी डांस में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। नमस्कार, मैं विकास सोनी हजारी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। मथुरा, वृंदावन और अलीगढ़, आगरा से होते हुए अब हम झांसी के आम आदमियों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है 2022 के चुनाव को लेकर। आज हम झांसी के काशीराम पार्क में आए हैं और झांसी वासियों से हम जानते हैं कि 2022 में उनका क्या मूड है। आप हमारे साथ बने रहिए। बाबू जी, आपका शुभ नाम? परमात्मा दिन रेकौर। कहाँ के निवासी हैं आप? यहीं के निवासी हैं, झांसी के। झांसी के क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिला है? कुछ नहीं, हमने अभी कुछ भरा ही नहीं, ना कुछ मिला है। कुछ नहीं मिला है। 2022 में उत्तर प्रदेश का ताज आप किसे पहनाएंगे? तो वक्त बताएगा जब उसे पहना देंगे। अच्छा, जब वक्त बताएगा। हाँ, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते, जब वक्त 2000 में आएगा जब देखा जाए। क्या सरकार के द्वारा जो अनाज दिया जा रहा है? हाँ। और जो दिया जा, उसका लाभ मिला है? हाँ, वो कंट्रोल पे जो मिलता है वो मिला है, वो तो मिलता है, हर महीने मिलता है। अच्छा अच्छा, मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जी, आपका शुभ नाम? राम विलास। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। 2022 के चुनाव में आप किसको वोट देंगे? आप ये तो अब वक्त पे है, अब देखो अखिलेश की सरकार आएगी। अच्छा, अखिलेश की सरकार आएगी, क्यों? कुछ कारण होगा तभी तो। अब ये तो ऐसा है कि समय के हिसाब से चलते ही जनता की वैसी मांग अखिलेश की है। अच्छा, हाँ। सरकार की जो 4.5 साल पूरे किले में जो कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। अब हम ये झांसी के मेन शहर कह सकते हैं, मीन्स बीचों बीच जो कि झांसी का किला है, और वहाँ पर हम आम जनों से हम पूछते हैं और रूबरू कराते हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश का ताज किसे पहनाएंगे। आइए। आप? मेरा नाम तारिक अली। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। 2022 का चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश में, तो किसकी सरकार लाना पसंद करेंगे? अखिलेश यादव। क्यों? उसकी सरकार में हम लोगों को काम मिलता है, डीजल सस्ता हो जाता है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है। और सरकार की जो 4.5 साल की पूरे हो गए, इनके द्वारा जो योजनाएं लागू की गई थी, इनकी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उनका लाभ शुरू अभी मिल रहा है, पहले बिल्कुल नहीं मिला है, अभी थोड़ा लाभ मिल रहा है। अच्छा, लाभ मिल रहा है। तो 2022 में आप किसको लाएंगे? 2022 में अगले सरकार को लाएंगे। चलिए, और भी हम आपसे रूबरू कराते हैं। भैया जी, आपका शुभ नाम? राकेश कुमार गुप्ता। क्या करते हैं आप? हम व्यवसायी हैं साहब। व्यवसायी हैं, और इसमें बताइए कि जैसे कहते थे कि व्यवसायी लोग सुरक्षित नहीं है, इस शासन काल में आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का GST से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक, बिल्कुल सुरक्षित है। 2022 में उत्तर प्रदेश का ताज किसे पहनाएंगे? 2022 में योगी जी पुनः बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे हमने पता ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम आपको रूप कहते हैं, ये हमारे आम आदमी हैं, इनसे हम आपको रूप कहते हैं। बाबू जी, आपका शुभ नाम? मनमोहन साहू जी। क्या करते हैं आप? राइटर पोएट हूँ और यहाँ बुक बेचता हूँ, रानी की कहानी सुनाता हूँ, स्पोर्ट की कहानी सुनाता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अभी 6 महीने बाद चुनाव आने हैं। हाँ। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप किसे चुनेंगे? बाबा योगी आदित्यनाथ। बाबा योगी आदित्यनाथ। यस। सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? भरपूर मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। चलिए, और भी हम आपको रूबरू कराते हैं। आपका नाम? विनोद कुमार। क्या करते हैं? बस रिटायर हो गया हूँ। किस पद से रिटायर हुए? वरिष्ठ सहायक। अच्छा, वरिष्ठ सहायक से हैं? ना, बाहर से। अच्छा, बाहर से। जगह अम्बेडकर नंबर। तो अम्बेडकर नंबर आप बताइए, 2022 के चुनाव में आप किसे मुख्यमंत्री? योगी का लाना, और को देश को बचाना है, अस्मिता को बचाना है, योगी को लाना है, मोदी को लाना है, और होते हुए। और हम आपसे रूबरू कराते हैं आम आदमियों से। भैया जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर गौरव साहू। क्या करते हैं आप? मैं चिकित्सक हूँ। समय पर 2022 को लेकर क्या माहौल है, चुनावी माहौल है आपके? इस समय शासन की मंशा के अनुरूप बढ़िया काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के जो चुनावी घोषणा पत्र था उसे पूर्ण कर रही है, और योगी जी का काम काफ़ी सराहनीय है। अच्छा, रवि शर्मा जी विधायक हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट हैं। स्मार्ट सिटी के तहत झांसी में काफ़ी और सड़क डाली जा रही हैं, पानी वाली धर्मशाला का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, रानी लक्ष्मीबाई कई पार्कों का भी निर्माण किया गया, ओपन जिम बनाई गई, भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा। 2022 के चुनाव में आप किसको अपना समर्थन देंगे? ये समर्थन तो भाजपा ही को रहेगा, क्योंकि यह गुंडा राज खत्म कर दिया है पूरे यूपी के अंदर। चलिए, बहुत बहुत
जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि झांसी शहर में क्या चुनावी माहौल है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर के आर अहरवाल, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी। क्या माहौल है आपके झांसी क्षेत्र का चुनाव के 2022 को देखते हुए? 2022 को हाँ, हाल फिलहाल प्रशासन तो बढ़िया चल रहा है, शहर में काम भी हो रहे हैं। सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो आपके क्षेत्र में हो रहे हैं? हाँ, हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, विशेषकर सड़क सफाई इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। 2022 में फिर आप किसे चुनेंगे अपना उत्तर प्रदेश का? ये तो पूरी जो ग्रामीण हमारी जनता है, जो सरकार उन्हें सुविधाएं दे रही है किसानों को, तो 90% आबादी हमारी जो गांव में रहती है वो इस चुनाव में अपना पूरा वोट देके या सरकार के कार्यों की सराहना या उनकी बुराइयां।